हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम आपको काफ़ी जो अच्छी से जानकारी देने वाले हैं नैनीताल का। नैनीताल में जो अभी जो है बारिश का मौसम हो रही है, काफ़ी जो है मौजे का मौसम हो रही है। मौजे का मतलब जानते हो ना, मज़े का दोस्तों। बहुत ही जो है खूबसूरत जो है नज़ारा देखने मिल रहा है। तो नैनीताल में थोड़ा बारिश जो हुई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने उसका जो थोड़ा सा वीडियो बनाया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद जो नज़ारा देखने मिल रहा है वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं अभी वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पे चांद के पार की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे ताऊ ने यहाँ पे कॉफ़ी लगाई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, तो नेट पर सर्च करना चंदन मूवी के चांद के पार वालों, तो यहाँ पर उसने जो है शूटिंग हुई थी, यहाँ पर कॉफ़ी लगाई थी। और वहाँ सामने पीछे देख सकते हैं जो चंदन बोलता है कि आइए मैडम फ़ोटो खींचता हूँ, बहुत अच्छी फ़ोटो खींचता हूँ। और एक वो वाली जगह है जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि मैडम फ़ोटो खिंचवा लीजिए, बहुत अच्छी फोटो खींचते। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया नज़ारे और व्यू के साथ दिखाते हैं। जो बारिश के बाद जो नज़ारे देखने मिलते हैं ना दोस्तों, दिल को छू लेते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को नज़ारा हम दिखाएंगे। तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे चलेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे चलेंगे, उसके बाद कहाँ चलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो को। दोस्तों आपको यहाँ पे भी देखिए घूमने मिलेगा, क्योंकि अब ये रोड जो है ये सही होने वाली है, और काफ़ी जो है यहाँ पे देखिएगा अच्छे से काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ काम चल रहा है। वो थोड़ा सा बारिश रुक गई थी तो अभी काम रुक गया था, पर जो है कंटिन्यू लगातार जो है काम चल रहा है। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, जैसे बारिश पड़ती है ना तो काम रुक जाता है, और जैसे मौसम खुला रहता है तो काम जो है कंटिन्यू चलता है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कितना बढ़िया जो है अच्छे से बना दिया गया है। अब यहाँ पे इसी के ऊपर जो है यहाँ पे रैलियाँ बनेंगी, और भी जो है बढ़िया सा यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको ठेले लगे हुए फिर से दोबारा नज़र आएंगे, और यहाँ से आप लोग टूरिस्ट भी काफ़ी नज़र आएंगे घूमते हुए। यहाँ देख सकते हैं आप लोग नैनीताल की खूबसूरती में कुछ कहो तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि नैनीताल से खूबसूरत जगह कहीं पर आपको इस तरह का देखने मिलेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से आपको नज़ारा देखने मिलता है, और बहुत ही जो है खूबसूरत यहाँ की वादियाँ आपको देखने मिलेंगी। चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है, और बीच पहाड़ के बीच में हमारा नैनी लेक है, उसी के बराबर में अपना नैना देवी मंदिर है, उसके फिर सामने जाएंगे अपनी जामा मस्जिद है। पर उससे पहले इस तरह का जो नज़ारा देखने मिलेगा दोस्तों कुछ, वाह यार दोस्तों क्या खूबसूरत जो है यहाँ से वादियाँ आपको देखने मिलेंगी। तो इसी व्यू को देखने के लिए कहाँ कहाँ से हमारे सब्सक्राइबर भी घूमने आते हैं, और काफ़ी जो है टूरिस्ट आते हैं। नैनीताल ऐसी सिटी है कि जहाँ से विदेशों से भी लोग बार यहाँ पे घूमने आते हैं, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और इसी वादियों को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आप भी जल्दी जल्दी आइएगा नैनीताल में। 7 तारीख से जो हमारा नैनीताल होने वाला है पैक, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है कंटिन्यू जो है 7 से लेकर 10 तक जो है छुट्टी होने वाली है। तो जल्दी जल्दी आइए और नैनीताल में होटल बुक करिएगा, मेरे माध्यम से भी होटल बुक कर सकते हैं, और इस तरह का आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत जो है आपको व्यू देखने मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसा व्यू देखने के लिए हम भी कभी कभी दोस्तों तरसते, क्योंकि ऐसा व्यू जो है जब भी मिलता है जब बारिश रुकती है। तो देख सकते हैं पूरे लेक के अंदर कितने प्यारी जो व्यू नज़र आ रहा है, एक बोट हमें चलती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ से व्यू के साथ देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत जो है दोस्तों नज़ारा देखने मिल रहा है। और ऐसा व्यू देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत दूर से लोग पैसा खर्च करने आते हैं। तो आप भी आइए और 7 तारीख से पहले पहले आइए और होटल बुक करवाइए, और नैनीताल में एंजॉय करिएगा। मौसम होने वाला है बहुत ही खूबसूरत, देखिएगा अब जो है कंटिन्यू जो है बारिश भी नहीं हो रही है, तो काफ़ी दिनों बाद जो है हमारे नैनीताल में बारिश हुई है, और वो भी बारिश कम से कम आधा 1 घंटे जो है रिमझिम बारिश हुई है। अब मौसम जो उसके बाद जो खुला है ना, तो दोस्तों अब क्या बारिश रुकी, और बारिश के बाद जो दोस्तों जो ठंडा पड़ा है ना, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ठंडा बढ़ गया होगा। तो मैंने देखी कि स्वेटर हुड भी पहन लिया है, क्योंकि काफ़ी जो है ठंड होने लगी है, और मेरे शूज़ भी भीग गए हैं बारिश जो है काफ़ी, तो मतलब आधा घंटा या 15 मिनट के आसपास जो है कंटिन्यू लगातार बारिश हुई थी। और वेदर की बात करें तो दोस्तों मेरे पीछे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है, मन कर रहा है दोस्तों यहाँ से देख के मैं पूरा व्यू देखता रहूँ जब तक अपना शाम ना हो। और ये वही जगह है जहाँ पे चांद के पार की मूवी हुई थी, शूटिंग हुई थी, जहाँ पे चांद के पार की मूवी की शूटिंग हुई थी। तो आप लोगों ने देखा होगा जो वहाँ पे एक ताऊ जी कॉफ़ी बनाते हैं, वो इसी के अंदर बनाते हैं, इसे बोला जाता है जूमलून। तो यहाँ पे सीजन में दोस्तों यहाँ पे बैंड बजता है, तो बैंड हाउस भी बोल सकते हैं, जूमलैंड भी बोल देते हैं काफ़ी लोग। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी जो है नज़ारा यहाँ पे देखने मिलता है, और काफ़ी यहाँ पे शूटिंग भी चलती हैं। तो यहाँ पे जो चांद के बारे की मूवी में जो बोलता है मैडम फ़ोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो, बहुत बढ़िया फ़ोटो खींचते हो, तो वो यही जगह है, वो यही जगह है जहाँ पे वो यहाँ पे
चंदन जो है फोटोग्राफी करता है, टूरिस्टों से पूछता है कि भैया फोटोग्राफी खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा और जगह का अपडेट देते हैं कि नैनीताल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों मैं सोच रहा था आज के आपको कुछ नई अपडेट देता हूँ, तो मौसम जो ख़राब हो गया और मैं थोड़ा सा काम भी था इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। तो मैंने कहा अपने सब्सक्राइबर को नैनीताल का व्यू दिखा देना कि माशाल्लाह से देखिए किस तरह का खूबसूरत जो है नज़ारा देखने मिल। तो आप भी आइए और ऐसा नज़ारा देखिएगा, जल्दी से जल्दी देखिएगा। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइए। बेल आइकन का बटन दबाने का क्या फ़ायदा है कि आपको जैसे मैं वीडियो अपनी डालूँगा तो सबसे पहले आप ही लोगों के पास वीडियो जाएगी और आप ही लोगों को पूरे नैनीताल की घर बैठे जानकारी मिलेगी। और दोस्तों जिसे होटल बुक कराना है तो वो भी होटल भी बुक कर सकता है, और जिसे यहाँ पे टैक्सी बुक करवानी है तो वो टैक्सी भी बुक करा सकता है, जिसे बाइक चाहिए उसे बाइक भी मिल जाएगी। तो नैनीताल में हर तरह की आपको सुविधा मिल जाएगी, और कोई जानकारी लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या नैनीताल में कौन कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन कौन सी नहीं है, सेवन पॉइंट के, रेस्टोरेंट के, और आपका किसी बाइक के, गाड़ियों के, किसी भी चीज़ की आपको नैनीताल के अंदर जानकारी चाहिए तो संपर्क करिएगा और आप मुझे मैसेज डालिए, मेरा नंबर लिएगा, तुरंत मैं आपको अपना नंबर दूंगा और अपना डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डालूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी शादाब नैनीताल से ही है, अगर इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे जिससे बात करनी है तो वो मुझसे बात भी कर सकता है, और मेरा नंबर मांगना चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, शादाब नैनीताल सर्च करिएगा और वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट मांग सकते हैं, और कॉन्टैक्ट लेने के बाद जो है मुझसे नैनीताल के लिए जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, और पूरी जो है रियल जानकारी दूंगा, पूरी सच्ची जानकारी दूंगा, एक भी पर्सन आपको जो है झूठ नहीं मिलेगा। और कोई होटल अगर मेरे माध्यम से आपको, मैंने होटल के ब्लॉग बनाए हैं बहुत काफ़ी, अगर मेरे माध्यम से आप उस होटल में आएंगे तो कहीं पे आपको 20% भी डिस्काउंट मिलेगा, कहीं पे 30% डिस्काउंट भी मिलेगा, और कहीं पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। फोर बेड रूम लेंगे तो वहाँ पे 20% और 30% मिलेगा, और जैसे डबल बेड लेंगे तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं नैनीताल में क्या क्या चल रहा है हमारे मार्केट में, वो भी मैंने आपको दिखाया भी था। तो चलिए आपको दिखाते हैं मार्केट और थोड़ा सा लेक का नज़ारा, मैं अभी चलते हैं वहाँ से पूरा लेक का नज़ारा देखेंगे कि किस तरह लेक का नजारा यहां से देखने मिलता है, पर यहां से भी दिखाया था मैं आपको दोस्तों वहां पे दिख। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं नैनीताल के नजारे। यहां देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से यहां से अचानक एकदम बारिश हो गई है, और आपका 5 सितंबर हो चुका है और बारिश जो एकदम जो है तेज हो गई है। तो 2 दिन बचे हैं, नैनीताल होने वाला है एकदम फुल। तो जिसे जिसे आना है और जिसे जिसे ऑनलाइन बुक करनी है तो जल्दी जल्दी अपने होटल बुक कर सकता है नैनीताल के लिए। तो अभी मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है और बारिश के साथ, और काफ़ी दिनों में जो है नैनीताल में बारिश हुई है, और मौसम देख सकते हैं कि किस तरह का दोस्तों यहाँ पे मौसम है आज, और काफ़ी बढ़िया नज़ारा देखने मिल रहा है। और टूरिस्ट जो दोस्तों आज काफ़ी कम है, तो 2 दिन बाद जो है नैनीताल पूरा जो है पैक होने वाला है 7 तारीख को। तो ये तो आप लोगों को पता होगा जो हमारे दिल्ली के काफ़ी टूरिस्ट जो है नैनीताल में आने वाले हैं, और सभी लोग जो आएंगे घूमने ज़्यादातर, क्योंकि दिल्ली बने तो ज़्यादातर दिल्ली के टूरिस्ट ज़्यादा आने वाले हैं नैनीताल में घूमने। और यहाँ पे हम खड़े हैं अभी माल रोड की, जहाँ से एंट्री होती है। और दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ, तो आज से जो है आपकी रोड जो है बंद होने लगी है वाली, माल रोड वाली, ये अपना 6 से 8 आजकल रोज़ बंद हो रही है, मतलब 2 दिन से। और पहले जो रोड जो है ऊपर की जो ख़राब थी वो रोड भी पूरी सही हो चुकी है, और अभी सारे रेस्टोरेंट पे भी देखिए खाली खाली हैं, और ये ऊपर वाली रोड पे देखिए इक्का दुक्का जो हमें टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लेक की तरफ चलते हैं, देखते हैं लेक में किस तरह का नज़ारा देखने मिला। पर इस टाइम जो वो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा देखने मिलेगा। तो अभी हम दोस्तों पहुँच गए हैं अपना फुटपाथ बाज़ार में, तो जहाँ पर अपना सस्ता बाज़ार लगता है। तो ये मैं आपको कई बार मैंने आपको दिखाया है, तो आज मैं सोच रहा था दोस्तों को अपने जो है सब्सक्राइबर को अपना मौसम अपडेट कर देते हैं। तो अभी जो है शाम के बज चुके हैं 4:30, और यहाँ पर थोड़ा सा टूरिस्ट भी आ गया है, और लगता है कि अभी थोड़ी सी भीड़ एकदम बढ़ने वाली है, 3-4 दिन में काफ़ी जो है भीड़ आपको नज़र आएगी हर तरफ। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं लेक के ओर, और देखते हैं लेक में क्या चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना भेलपुरी, भुट्टा और मोमोज सभी आपको हर चीज़ मिल जाएगी आपको,
और यहाँ पे सबसे स्पेशल चाय की दुकान मिलेगी आपको लेक के साथ, लेक के पास बैठे हुए आपको चाय का सुट्टा मारते हुए। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और सारी बोटें जो हैं बारिश के चक्कर में खड़ी हो गई हैं, क्योंकि बारिश जो है काफ़ी तेज़ हुई है और अभी भी हल्की हल्की जो है बारिश बूंदे पड़ रही हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारी बोटें खड़ी हैं, और लेक का पानी भी देखिए काफ़ी ऊपर तक आ गया है। तो एक सीढ़ी रह गई है, देखो ये भी जो है अगर बारिश आपके जो है लगातार बारिश हो गई तो यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है। तो आप लोगों को मैंने कई बार दिखाया था कि कितनी सीढ़ियाँ, कभी मैंने आपको चार भी दिखाई, दो भी दिखाई, तीन भी दिखाई, अब देखिए सारी जो है ये देखिएगा। और आज पानी का कलर देखिए किस तरह का हो रहा है दोस्तों, और इसी इस तरीके से सामने का व्यू भी देख सकते हैं। ऊपर का देखिए मौसम खुला खुला है नीचे, और बादल नज़र आ रहे हैं, देखिएगा नीचे जो है पूरा छाई छाई है यहाँ पे। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और व्यू के साथ कलर देखिए कितना खूबसूरत जो कलर नज़र आ रहा है नीचे, ग्रीन पानी हो गया डायरेक्ट, ये देखिएगा। और काफ़ी बढ़िया जो है नज़ारा दोस्तों, जो बारिश के बाद जो व्यू देखने मिलता है ना, उसकी तो बात ही आप लोगों को बता नहीं सकते, कितना प्यारा जो है मौसम हो जाता है। और उसी के साथ जो है व्यू का नज़ारा जो देखने मिलता है ना दोस्तों, लोगों को ना मज़ा आ जाता है जो यहाँ पर नैनीताल में उसी टाइम जो है मौजूद होते हैं और व्यू देखते हुए कहते हैं भाई साहब है नैनीताल का कुछ है देखने का व्यू वगैरह। तो दोस्तों इसके सामने तो जो है ना कुछ भी आपको जो है नज़र नहीं आएगा, जब इसे देखोगे ना व्यू के साथ बहुत ही खूबसूरत जो आपको नज़र व्यू देखने मिलता है। इसी तरीके से देखिएगा अभी जो है बोट भी जो है आजकल जो है बोट का टाइम भी जैसे अपना ठंड बढ़ती जाएगी तो बोट का टाइम भी जो है घटता जाएगा। अब जो है पहले 7:30 था, अब 7 हो गया है, फिर 6:30 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, इसी तरीके से जो है टाइम घटता जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर को कैमरा घुमा के किस तरह का यहाँ से व्यू देखने मिल रहे हैं। तो ये व्यू हमारे लोकल वाले भाई भी देख सकते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे लोकल के, काफ़ी जो है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने आज जो है नैनीताल की जो है ज़्यादा आपको अपडेट नहीं दिए, नैनी लेक की ज़्यादातर अपडेट दी और थोड़ा सा मालरोड दिखाया है। तो इस किसने दिखाया, तो मैं दोस्तों सोच रहा था रोज़ आपको एक चीज़ दिखाने से फ़ायदा क्या है, तो मैं आपको जो है अपडेट देता हूँ आज बहुत ही बढ़िया करके अपडेट देता हूँ। काफ़ी होटलों की अपडेट देता हूँ, काफ़ी टैक्सी की, नैनीताल की, मतलब अच्छे से आपको अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों जिसे होटल बुक कराना है वो भी जानकारी ले सकता है मुझसे, और जिसे टैक्सी बुक करना है वो भी संपर्क कर सकता है मुझसे, और जिसे बाइकें बुक करनी है वो भी संपर्क कर सकता है। नैनीताल के रेस्टोरेंट में कौन कौन सा खाने का जो बढ़िया रेस्टोरेंट है तो उसकी भी जानकारी ले सकते हैं मुझसे। नैनीताल में होटल रहने वाले कौन कौन से अच्छे हैं उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी देने से पीछे शादाब खान हटेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी कमेंट में नंबर मांग सकते हैं जिसे पूरी जो है जानकारी ले सकते हैं। नैनीताल ए टू जेड आपको होटलों की जानकारी दूंगा, ए टू जेड जो है रेस्टोरेंटों की जानकारी दूंगा, ए टू जेड जो है टैक्सी वालों की जानकारी दूंगा, ए टू जेड नैनीताल में क्या क्या घूमने का वो जानकारी दूंगा, और नैनीताल में कितने की बाइक मिलती है वो भी जानकारी दूंगा, नैनीताल में कहाँ कहाँ सस्ते होटल मिलते हैं उसकी भी जानकारी दूंगा, नैनीताल में कहाँ कहाँ बाइकें सस्ती मिलती हैं वो भी जानकारी दूंगा, और नैनीताल में बाइक से कहाँ कहाँ घूम सकते हैं उसकी भी जानकारी दूंगा, और कहाँ पर बाइक से सही घूमना है उसकी भी जानकारी दूंगा, कहाँ नहीं घूमना है उसकी भी जानकारी दूँ, और टैक्सी से घूमना अच्छा रहेगा या बाइक से घूमना अच्छा रहेगा उसकी भी जानकारी दूंगा, तो होटल कहाँ पे लेना चाहिए और कहाँ पे नहीं लेना चाहिए वो भी जानकारी दूंगा, और कहाँ पे जो सुनसान जगह
अच्छे अच्छे व्यू वाले होटल हैं उसकी भी जानकारी दूंगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, तो क्योंकि दोस्तों जल्दी अपडेट करना और आप लोगों को भी बताना, तो आप लोग देखेंगे और कमेंट में नंबर मांगेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको और भी अच्छे से जानकारी दूँ। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड।